मेरे चैनल में लाइव मॉडल पोर्टफोलियो बिल्डिंग का ये सीरीज चल रहा है। ये सीरीज का पहले वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जहां पे पहले ये पांच टाइप का पोर्टफोलियो एक्सप्लेन किया गया है और उसमें से पहला जो पोर्टफोलियो है उसमें मेरा खुद का निवेश हो गया है। लाइव आप लोगों के साथ वो शेयर किया गया है। आज उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो लेने वाला है, वो है मॉडरेट रिस्क पोर्टफोलियो। आज हम बनाएंगे आपके सामने और वो जो हम बनाएंगे पोर्टफोलियो, उसमें जो भी म्यूचुअल फंड्स रहेगा उसमें मैं खुद निवेश करूंगा आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन में। और हर एक फंड में निवेश करने के बाद थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्यों ये फंड लेना चाहिए, उसके पीछे क्या लॉजिक है। मेरे इस चैनल में सिर्फ थ्योरी ही नहीं बोला जाता है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी बोला जाता है, ताकि हम लोग थोड़ा सा जान पाए कि कैसे एक्चुअली निवेश करना है। और सिर्फ यही नहीं, ये मॉडरेट पोर्टफोलियो आज जो हम बनाएंगे उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको कि इसका रिव्यू, ये पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका ट्रैकिंग जो है वो आपको कौन सा ड्यूरेशन में चाहिए। आप बाई वीकली चाहते हैं उसका रिव्यू या उसका ट्रैक, या फिर आप मंथली चाहते हैं कि उसको ट्रैक किया जाए, पोर्टफोलियो कैसा, कितना परसेंटेज अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। और एक चीज स्पेशली जो लोग नए देख रहे हैं ये वीडियो को या फिर ये सीरीज को, ये वीडियो को अगर आप फॉलो करते हैं मॉडल पोर्टफोलियो बिल्डिंग, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके रखिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं ये पोर्टफोलियो में, अगर मैं कुछ चेंज करता हूं एक मंथ के अंदर और फिर आगे जाके मैं अगर कुछ चेंज करता हूं, मैं एक न्यू वीडियो आपके पास बना के दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो चलिए जाते हैं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन में, पहला जो फंड है उसमें हम निवेश करेंगे। तो ये मैं मेरा डैशबोर्ड में आ गया हूं, यहां से मैं निवेश करूंगा। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, मुझे एक एग्जांपल लेना था इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म यूज करता हूं। आप किसी का भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, किसी का भी ऐप यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड हाउस में जाके भी परचेस कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान में रखिएगा मैं डायरेक्ट प्लान में निवेश करता हूं, तो वो आप देख लीजिएगा। देखिए मैं यहां पे अभी बाय करूंगा, पहला फंड है मेरा पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लान डायरेक्ट प्लान। तो इसको हम अगर बाय डायरेक्ट में जाएंगे, 1000 उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो पहले चलिए इसको हम बाय कर लेते हैं, कंफर्म एंड इन्वेस्ट। ओके ठीक है, तो ये मेरा हो गया है ट्रांजेक्शन फ्रॉम, ओके ये स्टैम्प ड्यूटी जो चेंज हुआ है उसका आ रहा है, तो ये जो है मेरा ऑर्डर चला गया है। तो ये पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान हमारा पहला फंड है। तो देखिए पहला फंड पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में हम लोग निवेश कर चुके हैं, 1K यानी 1000 रुपीज हमने निवेश कर चुके हैं, इसमें स्टार्ट किए हैं। ये फंड का खासियत ये है, ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर जोर देते हैं ये फंड, और ये फंड के ऊपर मेरा डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल में है, वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया गया है। तो इसका पोर्टफोलियो भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉरेन इक्विटीज में, जैसे कि अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, इसमें वो लोग निवेश करते हैं, जो फंड को थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो ये फंड जो है वो मॉडरेट रिस्क वाला पोर्टफोलियो के लिए अच्छा बैठता है, इसीलिए मैंने इस फंड को अपना पोर्टफोलियो में शामिल किया है। देखिए अब हम सेकंड म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, ये मॉडरेट रिस्क वाला पोर्टफोलियो में, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में। यहाँ पे भी हम बाय करेंगे, चलिए बाय डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जब हम पहली बार कर रहे हैं वो 5000 रुपए का है, तो एक एक म्यूचुअल फंड का एक एक स्लैब रहता है, उसके बाद एडिशनल आप कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब 5000 नहीं लगेगा। अगर मैं नेक्स्ट मंथ में करूंगा या फिर नेक्स्ट इन्वेस्ट करूंगा, पहला टाइम 5000 रुपीज लगेगा। तो चलिए ठीक है, बाई कर लेता हूं आपके सामने, कंफर्म एंड इन्वेस्ट। मेरा दो ऑर्डर पेंडिंग है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड और आपका पराग पारिक। उसके बाद देखिए एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान में 5000 रुपीज हम लोग निवेश किए हैं, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, बेस्ट मल्टीकैप फंड आप देख सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में सभी के लिए दिया गया है। तो बोलने का मतलब यही है, जो मैं चैनल में बताता हूँ जो फंड के ऊपर, उसमें भी मैं खुद का पैसा भी उसमें निवेश करता हूँ। ऐसा कि नहीं कि आप लोगों को एक फंड बोला जाए और मैं कुछ दूसरे फंड में निवेश करता हूं, ये अमूमन नहीं होता है।
तो ये देखिए, ये फंड में निवेश करने का पीछे जो मेन कारण है, इसमें थोड़ा सा फोकस्ड अप्रोच है, तो थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़ा सा पोर्टफोलियो में कम रहेगा इस फंड का। और एक बात है, ये जो करंटली ये लोग भी बाहर का जो स्टॉक्स है, जैसे कि गूगल हो गया, उसमें वो लोग निवेश करना चालू किया है, जो एक थोड़ा सा कुशन प्रदान करता है। तो इसीलिए हम लोग SBI फोकस्ड फंड को देखे हैं। इसका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है, इसका रिटर्न लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, तो इसीलिए हम लोग SBI फोकस्ड फंड को चूज किया है। मैं आ गया हूं हमारा थर्ड म्यूचुअल फंड में, वो है एक्सिस मल्टीकैप फंड। यहाँ पे डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में हम लोग निवेश करेंगे। इसको भी मैं बाय डायरेक्ट कर देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम एडिशनल परचेज है आपका 100 रुपए, क्योंकि यहाँ पे मेरा पहले एक बार निवेश हुआ था, तो यहाँ पे हमें कोई भी अमाउंट मैं डाल सकता हूं। तो अमाउंट टू इन्वेस्ट यहाँ पे मैं डाल दूंगा। यहाँ पे भी मैं 1000 रुपए पहले स्टार्ट करने के लिए निवेश करूंगा। चलिए कंफर्म एंड बाय है। तो ये हमारा 3 जो फंड है उसका आ गया है, यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है। रिसेंटली एक्सिस म्यूचुअल फंड का कुछ फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक्सिस मल्टीकैप फंड इसमें हमने चूज किया है, क्योंकि इसमें हमें लार्ज कैप का भी थोड़ा सा फ्लेवर मिलेगा, मिड कैप का भी थोड़ा सा फ्लेवर मिलेगा, जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न के बेसिस में हमें प्रदान करेगा। तो इसीलिए इसमें हमने 1000 रुपीज निवेश। इसका पोर्टफोलियो में भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है, और इसके भी डिटेल्ड वीडियो हमारा चैनल में ऑलरेडी मौजूद है, आप वहां पे देख सकते हैं। अभी हम आ गए हैं हमारा फोर्थ फंड में। तो ये मॉडरेट रिस्क वाला जो पोर्टफोलियो है, उसमें एक तो डेप्ट फंड लेना है, तो मैं वहां पे चूज किया हूं SBI डायनामिक बॉन्ड फंड। तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में निवेश करेंगे। तो चलिए बाय डायरेक्ट करते हैं। यहां पे देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 5000 रुपए का है। अगर हम लोग यहां पे बाय करते हैं तो आप देख सकते हैं 4 ऑर्डर अभी प्लेस है, सभी डायरेक्ट फंड में है, सभी डायरेक्ट प्लान में है और ग्रोथ ऑप्शन में है। आप ये स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, फंड का नाम आपको मिल जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ी देर बाद जब चेक किया हूं इसको, तब हम देखे हैं कि इसका जो स्टेटस है, आप देख सकते हैं ऑर्डर सेंट टू AMC, यानी मेरा ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए चला गया है, ऑर्डर म्यूचुअल फंड हाउस के पास पहुंच गया है। तो मुझे आज का डेट का ही जो NAV का प्राइस है वो आज मिल जाएगा मुझे। आगे मैं और डिटेल्स बताऊंगा इसके पीछे लॉजिक क्या है, और आपके पास अगर ये फंड नहीं है तो आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो भी आपको क्या अप्रोच रखना है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल्स आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, ताकि आधा अधूरा नॉलेज कुछ ना रहे, जितना हो सके मेरे से मैं आप लोगों के लिए ये नॉलेज शेयरिंग करना चाहता हूँ। अभी हम थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे क्या पोर्टफोलियो का आउटलुक रहना चाहिए और आप लोगों को क्या स्ट्रेटेजी लेना चाहिए अपना पोर्टफोलियो बिल्डिंग के टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे मॉडरेट रिस्क वाला जो पोर्टफोलियो है, उसमें फिलहाल के लिए ये 4 फंड ऐड हुआ है। बाद में जाके देख दो फंड ऐड भी हो सकता है, कुछ रिड्यूस भी हो सकता है, कोई चेंज भी हो सकता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। इसीलिए आप ये वीडियो सीरीज को देखते रहिए। मैं डिफरेंट प्लेलिस्ट बना के अपना चैनल में रखा हूँ मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएशन बोल के, कि ये लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो होने वाला है, और यहाँ पे हम ज्यादा मिड कैप ओरिएंटेड में नहीं जाएंगे, हम लार्ज और मल्टी कैप में ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें जो पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा सा कम रखना है, और बट ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो रिटर्न है वो एकदम कम ना हो जाए। ऐसा नहीं कि पूरा हम कंजर्वेटिव चले गए और हमारे देखा गया कि हमारा रिस्क जितना लिए रिटर्न कुछ भी नहीं आया, ऐसा भी नहीं है। तो हम थोड़ा सा मिडिल अप्रोच लेंगे इसमें, इसीलिए मल्टी कैप फंड को भी इसमें शामिल किया गया है, तो इसको आप जरूर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये एक पोर्टफोलियो में एक बैलेंस प्रदान करता है। 3 इक्विटी फंड हो गया, उसके बाद एक डेप्ट फंड, ये पोर्टफोलियो को एक बैलेंस प्रदान करता है, और उसमें है SBI डायनामिक बॉन्ड फंड। इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल में है, आप लोग 3 बेस्ट डेप्ट म्यूचुअल फंड का वीडियो देख सकते हैं। सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया गया होगा, आप लोग वहां से जरूर देखिएगा। SBI डायनामिक बॉन्ड फंड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डायनामिक बॉन्ड फंड लेने का एक सुविधा है कि आप लोगों को इंटरेस्ट साइकिल के वाइज कैसे अपना डेप्ट फंड को चेंज करना है, उसके बारे में
चिंता नहीं करना है, वो काम आपके लिए आपका फंड मैनेजर कर देता है। तो इसीलिए डायनामिक बॉन्ड फंड हमने यहाँ पे चूज किया है। ये जो हमने चार म्यूचुअल फंड चूज किया है, इसको जरूर हम पीरियोडिकली इसको रिव्यू करेंगे। अगर रिव्यू करते वक्त देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कम हो रहा है अपना पीयर से, अपना एवरेज जो कैटेगरी है उससे वो अंडर परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली, तो हम इसको जरूर स्विच करने के लिए सोचेंगे। ऐसा नहीं कि एक फंड ले लिया और लेके बैठ गए 20 साल तक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, अपना एवरेज से नीचे परफॉर्म करेगा कंसिस्टेंटली, तब उसको जरूर चेंज करना आना चाहिए। वो भी आप लोग अगर ये चैनल में बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को क्लिक करके रखेंगे, तो मैं जब भी वो चेंज वाला वीडियो बनाऊंगा या फिर पोर्टफोलियो ट्रैकिंग वाला वीडियो बनाऊंगा इस पोर्टफोलियो के लिए, वो तब आपके पास आ जाएगा। और अगर आपके पास ये चार फंड में से कोई भी फंड नहीं है तो भी वरी करने का ज्यादा जरूरत नहीं है, शायद आपका पोर्टफोलियो में अच्छा फंड्स ऑलरेडी है। तो देखिए, हमेशा हमें नंबर वन के साथ रहना है, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि नंबर वन हमेशा हम चूज नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ टॉप 15 या टॉप 10 फंड के साथ रहना है जो एवरेज से ज्यादा हमें रिटर्न कमा के देगा, तो ही हमारा गोल सक्सेसफुली फुलफिल हो जाएगा। हमें हमेशा नंबर वन के पीछे भागना नहीं है। अगर हम भागते रहेंगे, पोर्टफोलियो को हमेशा रिशफल करते रहेंगे अननेसेसरी, तब क्या होगा, हमें कुछ रिटर्न भी नहीं मिलेगा और हमेशा हमें टैक्सेशन के बारे में भी ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो ऐसा मत कीजिए, रिव्यू कीजिए, पीरियोडिकली रिव्यू कीजिए 3 मंथ 6 मंथ में अपना पोर्टफोलियो का, और उसके बाद देखिए। जिन लोगों के पास ये फंड नहीं है, अगर आपका पोर्टफोलियो में अच्छा फंड है ऑलरेडी जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन डोंट वरी, कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। और अगर नहीं कर रहा है, आप अगर रिव्यू किए हैं, आपका फंड ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं चेंज करने का। लेकिन ये जो वीडियो है ये प्योरली एडुकेशन बेसिस में है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर्स का एडवाइस लेके ही कुछ काम कीजिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये सीरीज आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। और 3 पोर्टफोलियो बाकी है, एग्रेसिव, सुपर कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव, तो उसमें के ऊपर भी वीडियो आएगा आगने वालों दिनों में। तो आप लोग जरूर चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, और वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर चाहिए। हर एक का कमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि मैं हर एक का कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, उसको रीड करता हूँ, और अगर लगे तो मैं आंसर भी जरूर करता हूँ आपका कमेंट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।